पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 79 साल की उम्र में हुआ है निधन। महेंद्र सिंह धोनी ने दिया श्रद्धांजलि, किया है बड़ा खुलासा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एसके स्पोर्ट्स की और नई वीडियो में। तो दोस्तों क्या है पूरी अपडेट बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों क्रिकेट जगत की छोटी बड़ी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं पूरी अपडेट। दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का लंबी बीमारी के बाद रविवार को दुबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वह 79 साल के परवेज मुशर्रफ का दुबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। परवेज मुशर्रफ का क्रिकेट से गहरा नाता रहा। दोस्तों परवेज मुशर्रफ सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी के बड़े फैन थे। बात पुरानी है, जब टीम इंडिया पाकिस्तान के दौरे पर थी उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अपने घर पर दावत में बुलाया था। किसी अन्य फैन की तरह ही राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी सचिन तेंदुलकर से मिलने की तमन्ना रखते थे और सचिन को पाकिस्तान में उनके प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहते थे। परवेज मुशर्रफ के बारे में कहा जाता है कि न केवल वो क्रिकेट देखते थे बल्कि क्रिकेट से जुड़े तमाम रिकॉर्ड्स को याद में रखते थे। वहीं परवेज मुशर्रफ ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी एक सलाह दी थी। दोस्तों परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि अगर आप मेरी निजी सलाह माने तो आप अपनी हेयर स्टाइल कभी न बदलिएगा, ये मुझे बेहद ही पसंद है और कभी बाल मत कटवाना। वहीं दोस्तों अगर परवेज मुशर्रफ की बात करें तो 1999 में सरकार के सैन्य अधिकरण के बाद वो पाकिस्तान के 10वें राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 1999 से साल 2002 नवंबर तक पाकिस्तान के मुख्य कार्यकारी और 2001 से अगस्त 2008 तक राष्ट्रपति रहे। वहीं दोस्तों परवेज मुशर्रफ को पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्याकांड और लाल मस्जिद के मौलवी की हत्या के मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था। इसके बाद वह साल 2016 से ही दुबई में रह रहे थे। उनके खिलाफ देशद्रोह का भी मामला चल रहा था। वहीं दोस्तों परवेज मुशर्रफ के निधन के बाद महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर ने उनको श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।